नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टाइटल है व्हाई यू शुड बी अ ब्लॉगर, आपको एक ब्लॉगर क्यों बनना चाहिए। सो दोस्तों, इसके कई सारे फायदे हैं, तो उन कई सारे फायदों में आज आपके सामने मैं कुछ 8 ऐसे पॉइंट रखने वाला हूं जिनको जानने के बाद आप डेफिनेटली जो ब्लॉगर बनने की सोच रहे हैं वो आज ही अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। सो दोस्तों, सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है ब्लॉगिंग एज अ चैलेंज। ब्लॉगिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जो है आप एज अ इंडिविजुअल पर्सन क्या हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं, आप जो आर्टिकल्स लिखते हैं, आपकी सोच कैसी है, बहुत सारी चीजों का नजरिया जो है आप उस ब्लॉग के ऊपर डालते हैं, जो आप वहां पर लिखते हैं वो आप एक रिप्रेजेंट करते हैं खुद को एज इंडिविजुअल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर कोई आज की डेट में हर इंसान जो है अपने आप को लोगों के सामने, दूसरों के सामने जो है, पूरे वर्ल्ड के सामने नहीं रख पाता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ब्लॉगर जो है, ब्लॉगर बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये चैलेंज हर किसी के बस की बात नहीं है, तो हर कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सो दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो व्लॉगिंग इज अबाउट योर पैशन। आपका जो पैशन है वो आपकी व्लॉगिंग में दिखता है, आप उसमें अपना पैशन जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, हर इंसान जो इस दुनिया के अंदर है, पैशन हर इंसान का होता है, हर इंसान का कोई ना कोई एक पैशन होता है, लेकिन हर इंसान इस दुनिया के अंदर अपने पैशन को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके चलते वो अपना जो पैशन है वो नहीं कंप्लीट कर पाता है। लेकिन अगर आप ब्लॉगर बन जाते हो तो डेफिनेटली आपका जो पैशन है वो आपका सक्सेसफुली आप यहां पे कंप्लीट कर लेते हो, आपका पैशन जो है उस पे सक्सेस हो जाते हो, आप उस पैशन को जो है दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हो। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ब्लॉगिंग इट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि आप जब वो आर्टिकल्स पब्लिश करते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो है आपके साथ होती है, क्योंकि आप एक बार आर्टिकल पब्लिश करते हो तो बहुत सारे लोग जो है, विजिटर जो है हमारे ब्लॉग के ऊपर आते हैं, वो हमारे उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमसे ना जाने कितने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स जो है वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें उन पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स का जब रिप्लाई करने को मिलता है, जब हम उन कमेंट्स को सोचते हैं, तो उन कमेंट पे जब हम ध्यान लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हम जो है धीरे धीरे ऐसा करते करते हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें जो है हमारे आर्टिकल्स के बेस के ऊपर, हमारे ब्लॉग के बेस के ऊपर जो काम करते करते हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लॉग के ऊपर हम किसी पर्टिकुलर एक आर्ट जो टॉपिक है उस पर काम नहीं करते, हम बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर काम करते हैं, तो उनपे जो है अलग अलग थॉट प्रोसेस जो दुनिया के अंदर हैं तो वो हमारे तक पहुंचती हैं, और चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो हमें जब उनका रिप्लाई करने का मौका मिलता तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। व्लॉगिंग जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें वन टू वन कम्युनिकेट करके और हमारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा कर देती है, जिसको जो है हर इंसान आज की डेट में नहीं फेस कर पाता है। सो दोस्तों, अगर आप पब्लिक के अंदर भी चले जाते हो, अगर फेमस हो जाते हो, ब्लॉग एक अच्छा फेमस ब्लॉगर बन जाता है, तो आप जब पब्लिक के सामने जाते हो तो पब्लिक भी आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करती है, तो उन सवालों के क्या जवाब देने हैं, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमें एज अ ब्लॉगर ही मिलता है। सो दोस्तों, अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो यू विल बिकम अ बेटर थिंकर एंड राइटर। सो दोस्तों, ब्लॉगिंग करते करते, क्योंकि हमें बहुत सारे आर्टिकल्स पे लिखना होता है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हमें लिखते हैं, तो उन टॉपिक्स पे लिखने के लिए हम जो है सोचते हैं, जब हम उन आर्टिकल्स पे लिखने के लिए जब हम सोचते हैं, तो हमारी सोच जो है धीरे 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 एक बहुत ही बड़े लेवल पे चली जाती है, यानी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, और हम जो है किसी भी पर्टिकुलर एक समय ऐसा आ जाता है जब हमारे सामने कोई भी टॉपिक रख दिया जाए और उस टॉपिक के बारे में हम जो है, हमारा दिमाग इतनी फास्ट वर्क करता है कि हम जो है काफी डीप लेवल तक उस टॉपिक के ऊपर सोच पाते हैं,
और यही एक बहुत ही बड़ी हमारे अंदर एबिलिटी आ जाती है, एक बहुत बड़ा ये पॉइंट हमारे अंदर आ जाता है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम किसी भी पॉइंट के ऊपर काफी अच्छे से सोच सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कि आप जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर काफी अच्छे से सोच सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो ये जो है आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देती है व्लॉगिंग की, आप एक अच्छे थिंकर और एक अच्छे राइटर बन पाए। सो दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है, यू कैन मेक गुड मनी। सो दोस्तों आप जब इस आर्टिकल्स के ऊपर काम करते हो तो आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इनकम के सोर्स ओपन हो जाते हैं कि जिनके जरिए जो है आप काफी अच्छा जो है पैसा कमाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप गूगल के एडसेंस लगा के जो है पैसा कमा सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए जो है पैसा कमा सकते हो, और भी जो है बहुत सारे आपको और सोर्स मिल जाते हैं, यानी कि आपको जो है यहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, आप बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं आप इन ब्लॉगिंग के जरिए, जिसके चलते आपके पास काफी ज्यादा अच्छी इनकम जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सिक्स पॉइंट की बात करूं तो वो है डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। तो यहाँ पे आपको ब्लॉगिंग जो है एक ऐसी फ्रीडम प्रोवाइड करती है जिसके चलते आपको जो भी काम जिस वक्त करना है, आप जो चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नौकरी करूं तो नौकरी के अंदर मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में टाइमिंग देनी है वो डेफिनेटली टाइमिंग मुझे वहां पे प्रोवाइड करनी है। अगर मेरा मुझे जो है नौकरी पे अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है तो वहां पे मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। तो अगर उसी नाइट में जो है आपके पास कोई पार्टी आपके फ्रेंड सर्कल ने रखी है तो आप जो है वो चाहते तो हैं कि वहां पे जाके उस पार्टी को एंजॉय करें, लेट नाइट तक एंजॉय करें, आप जो है उसमें शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपको दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके अपनी ड्यूटी भी अटेंड करनी है तो आप जो है उस पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाते। आपको जो है कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस के बीच में रहना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ब्लॉगिंग की बात करूं तो यहां पे आपको वो फ्रीडम मिलती है कि आप जो है आपका जब भी मन करे जहां पर मन करे, आप ऐसा नहीं है कि आप जो है एक ही जगह पे बैठ के आपको ब्लॉगिंग करनी है। आप अगर ब्लॉगर बन जाते हैं तो आप कहीं टूर पे गए हैं, कहीं पे एंजॉय कर रहे हैं, हॉलिडे पे गए हुए हैं, तब भी जो है आप अपनी ब्लॉगिंग कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक फ्रीडम जो है वो आपको सिर्फ ये ब्लॉगिंग ही प्रोवाइड कर सकती है। और दोस्तों यहाँ पे सातवां पॉइंट है वो बहुत ही मायने रखता है एक ब्लॉगर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो सातवां पॉइंट है, यू विल मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। आपके इस ब्लॉग के जरिए ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो आपसे मोटिवेट होंगे, जो आपसे इंस्पायर होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे आपके आर्टिकल की वजह से चेंजेस आएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है मेरे लिए कि एक ब्लॉगर जो है वो ये चीज क्रिएट कर पाता है लोगों की लाइफ को चेंज करने का, उनको एक सही रास्ते पे लेके जाने का जो है एक जिम्मा जो है वो एक ब्लॉगर के हाथ में होता है। क्योंकि ब्लॉगर जो है ये धीरे धीरे जिस तरह से मैंने कहा एक अच्छा थिंकर बन जाता है, एक अच्छा राइटर बन जाता है, क्योंकि आप इतना अच्छा सोच लेते हो कि क्या सही है क्या गलत है, उस चीज की परख आपको आने लग जाती है। तो आप जो है आने वाले जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं तो आप उनमें ये दिमाग लगाते हो, ये चीज को यूटिलाइज करते हो कि आपका जो भी पॉजिटिव वे है, जो आपका एक पॉजिटिव थॉट है वो आपका उस आर्टिकल्स में दिखता है, और जिसको पढ़ने के बाद जितने भी लोग उसको पढ़ते हैं उनकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ जो है चेंजेस जरूर आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो कि आज के इस वीडियो का मैं लास्ट और आखिरी पॉइंट है, वो है आठवां पॉइंट है जो कि आप हमेशा जो है अप टू डेट रहते हैं। क्योंकि एक ब्लॉगर को ऑनलाइन रहना पड़ता है तो वो ऑनलाइन के रहने के बावजूद भी है बहुत सारे टॉपिक्स को वो जो है टच करता है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाता है, बहुत सारे ऑनलाइन जितनी भी न्यूज आज की डेट में डिजिटल में आती हैं वो सबसे पहले अपडेट होती हैं, सबसे ज्यादा वायरल होती हैं, जो भी उन सभी चीजों के ऊपर जो है एक ब्लॉगर की निगाहें रहती हैं, वो हमेशा उन सोर्स के जरिए जो है
इंफॉर्मेशन हमेशा गैदर करता रहता है और अप टू डेट रहता है। तो जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि व्लॉगर आज की डेट में सबसे ज्यादा एडवांस, बहुत ही अप टू डेट रहता है। क्योंकि अगर आप नौकरी करें तो आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर काम दिया जाता है आपके ऑफिस में, आपको उसी के ऊपर काम करना है, आपको वहां से टाइम जो फ्री नहीं हो पाते कि आप किसी दूसरी चीज के बारे में दिमाग लगा पाएं, किसी दूसरी चीज को देख पाएं और अपने आप को अपडेट कर पाएं। लेकिन ब्लॉगर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आप को जो है ऑनलाइन अप टू डेट रखता है, क्योंकि उसको बहुत सारे सोर्स के जरिए इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं और वो एक धीरे धीरे जो है एक काफी अपडेटेड पर्सन बन जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि ये 8 पॉइंट आपकी भी लाइफ के अंदर जो है काफी सारे चेंजेस लाएंगे। जो सोच रहे हैं कि मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको एक डिसीजन ले पाएंगे कि आपको जो है अगर ब्लॉगर बनना है तो आज ही आप अपना ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली हर चीज की शुरुआत जो है एक छोटे लेवल से होती है और फिर वो बहुत ही बड़े लेवल तक पहुंचती है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होती कि बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हुई और बहुत बड़े लेवल पे ही वो पहुंच पाती है, ऐसा नहीं है। हर चीज की शुरुआत एक छोटे चीज से होती है, एक छोटे लेवल से होती है। तो अगर आप भी जो है ब्लॉगर बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो ये जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताए आप इनको हमेशा ध्यान रखें तो डेफिनेटली आप जो है एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल ब्लॉगर बन पाएंगे। सो दोस्तों, आई होप कि आपका आज का जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।